नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। यूं तो श्रमिकों के लिए ट्रेनों की और बसों की व्यवस्था लगातार जारी है, लेकिन अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो कि आत्मनिर्भर बन चुके हैं और अपने साधनों से अभी भी वापस लौट रहे हैं। इन्हीं में से एक बालाघाट जिले के ग्राम कुर्सीपार के रहने वाले मजदूर बुधराम है, जिसने अपने 3 बच्चों और पत्नी को साइकिल पर बिठाकर बुलंद हौसले के साथ हैदराबाद से बालाघाट तक 800 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। जो परिवार सहित रजे गांव के पास रहने वाले एक प्रतीक्षालय के सामने हमको आराम करते मिल गया। सर, साइकिल से तो आते हुए सर अब परेशानी तो हुआ भी है। अब इतने बच्चे को बैठ के चलाना बोले तो कैसा है, 5-5 लोग को एक मोटरसाइकिल में भी आता नहीं है। उस टाइप का मैंने लेके आया था, मजबूरी है सर। साइकिल पर सवार परिवार और गृहस्थी का सामान उसे तकलीफ तो देता रहा, लेकिन घर जाकर अपनों से मिलने की ललक ने उसे 800 किलोमीटर का सफर तय करा दिया। इस दौरान आने वाली तकलीफें बयां करते हुए बुधराम ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से हाथ खाली हो गए, जब पास बचे रुपए खत्म हो गए तो लोगों से मदद मांगी, वो भी कितने दिन चलती। बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो घर वापसी के लिए साइकिल से निकल पड़ा, कभी पैदल भी चला। बुधराम कहता है कि अब फिर कभी कमाने खाने के लिए वो बाहर नहीं जाएगा। तो खाने का दिक्कत हो गया, काम का दिक्कत हो गया, काम नहीं लगने लगा। तो किस तरीके का काम करते थे आप वहाँ? वहाँ पे मसाला काटने का, फिर मतलब मिस्त्री को देने का, ऐसा काम। तो हमारे क्षेत्र से ये गए थे सर कि 1-2 पैसा कमा के लाएंगे और कमा के ला के अपने बड़े मस्त घर में रहेंगे, दोबारा फिर ले जाएंगे बरसात भर घर पे रहेंगे, फिर बाद में बरसात कटने के बाद फिर जाएंगे, ऐसा सोच के गया सर। रोजगार नहीं मिलता सर, क्योंकि रोज गांव भी छोटा है, 100 गांव 100 मकान है। तो क्या काम, वो चावल लगाते समय, धान काटते समय, गेहूँ उस समय काम मिलता है, बाकी समय फिर नहीं मिलता। अब लॉकडाउन बंद हो गया तो हमने सोचा कि अब हम कैसे जाएंगे, तो हमारे पास 1000-2000 रुपये थे, तो हमने चलो भाई कैसे भी चले जाएंगे ऐसे बोल के निकल गए सर वहाँ से। दिक्कत तो ये आने लगा कि खाने पीने का, रूम भाड़े का पैसा कौन देगा, ऐसा बोल के सब निकल गए। सर उधर से जब आ रहे थे सर तो हम बोले तो कि हमारे साधन बना दो सर, कि हम मध्य प्रदेश MP मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला रुको, टाइम लगेगा, सभी लोग को तो एकदम से तो जैसा भी आया हो वैसा तो एकदम से बैठा नहीं सकता, अभी रात भर रुको, टेस्ट इंतजाम करेंगे, ऐसा बोलने लगे सर। ऐसा है देखो, अगर हम निकल गए तो जाएंगे, मतलब ऐसा है सोच के हम लोग हिम्मत नहीं हारे सर। हिम्मत नहीं है जी। रास्ते में मिला सर, दो तीन जगह मिला हमको, तो खाना मिला रास्ते में, कोई लोग बिस्कुट दे रहे हैं, कोई लोग केला दे रहे हैं, कोई लोग पानी दे रहे हैं, ऐसा बोल के सब आ रहे सर। बिस्कुट को खाया सो गया, बच्चे लोग भी रोने लगे, इनको बोला भाई बिस्कुट खा लो, पानी पियो, सो गए। ये लोग बोला तो सो गए, सुबह उठे वहाँ 3 बजे से, तो फिर पैदल इधर से आए सर। तो यहाँ खाना बना रहे, नहाएंगे धोएंगे उसके बाद में जाएंगे सर खाना खा। अब लॉकडाउन खुलेगा सर, जैसे पहले जैसा स्थिति हो जाएगा तो जाएंगे। इतनी सारी तकलीफें भी, समस्या, इन सब के बावजूद आप क्यों जाना चाह रहे हैं सर? मतलब जाएंगे तो अकेले जाएंगे सर, अब परिवार नहीं लेके जाएंगे। परिवार लेके नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो अकेला जाएंगे, परिवार घर पे रहेगा, जो भी है तो पैसा देला, हम भी जाते रहेंगे उधर।